राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हमीरपुर में उपभोक्ता संरक्षण संगठन की बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुशील शर्मा ने की। इसमें संगठन से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। उपभोक्ता संरक्षण संगठन की बैठक में कई मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के दौरान मेडिकल कॉलेज हमीरपुर द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को तरजीह ना देने का मामला भी सामने आया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में वरिष्ठ नागरिकों को तरजीह नहीं दी जा रही है। इस कारण वरिष्ठ नागरिक मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कार्यशैली से खुश नहीं है। बैठक में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर की प्रति निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर चर्चा भी हुई और रोष भी व्यक्त किया गया कि आज इस पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम न किए जाने के चलते खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रति निंदा प्रस्ताव भी रखे गए। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में आए दिन लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, एक चिंताजनक विषय है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को वरिष्ठ नागरिकों को तरजीह देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण संगठन से युवाओं को जोड़ा जाएगा ऐसा भी कहा। संगठन के साथ विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए बुद्धिजीवी लोग जुड़े हुए हैं। युवा शक्ति को संगठन से जोड़कर संगठन को मजबूती प्रदान की जाएगी। दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन ने आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें सभी पदाधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बहुत से लोगों ने बहुत सी समस्याओं को अपने जो हमारे समक्ष रखा बैठक में। इसमें हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण दो निर्णय लिए हैं वो है, इसमें सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के खिलाफ जो है एक निंदा प्रस्ताव जो है यहाँ पे पारित किया है, जो हमने निदेशालय को लिखने का भी हमने निर्णय लिया है, स्वास्थ्य निदेशालय को, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में देखने में आया है कि हर रोज जो है कोई ना कोई ऐसा समाचार सुनने में आ रहा है जिसमें इनकी घोर लापरवाही और जो कार्यप्रणाली है जिसके ऊपर जो है उंगलियां उठाई जाती हैं। तो मेडिकल कॉलेज के खिलाफ हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया है और साथ में जब से हमारा संगठन बना है तब से शायद ये पहली बार हुआ है कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है इसमें इस राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तरफ के प्रति पूर्णतया उसने उदासीन रवैया अपनाया था। तो ये बहुत ही हमारे लिए अजीब सी बात थी। तो हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो निदेशालय है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट उसके खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव पारित करें, वो भी हम लोग लिखेंगे। साथ में ही मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो है लोगों ने बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको तरजीह नहीं दी जाती है। हमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक पत्र भी आया था जो हमारी मांग पर उन्होंने आदेश जारी किए थे। यहाँ तक कि बैंकों में भी आदेश जारी किए गए थे कि बैंकों को भी वरिष्ठ नागरिकों को तरजीह देनी पड़ेगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इस तरह के कोई भी नियम जो है वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ जो लोकल लोग थे उन्होंने अपनी समस्याएं उठाई हैं और संगठन को मजबूत करने के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है।